जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग के अपने ही YouTube चैनल ड्रीम टू जॉब पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध यूनिवर्सिटी सेशन 2024 से 28 का जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है, उसमें से बहुत लोगों का नाम नहीं आया है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसका डेट एक्सपेक्टेड होके, और ये भी मैं बताऊंगा कि जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है क्या उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा दोबारा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, क्या अगर इस बार हम एडमिशन नहीं लेते फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो क्या सेकेंड में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सभी क्वेश्चन का आज आपको मैं जवाब देने वाला हूँ। वीडियो में आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियो डालते रहते हैं मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आया था, तो आपका 2 जुलाई को ही आया था। ठीक है, लेकिन वो दोस्तों उसमें कुछ गड़बड़ रहने के कारण आपको फिर से जारी किया गया। ठीक है, तो दूसरा जो दोस्तों आपका डेट है उसमें दोस्तों आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन डेट रखा गया वो 3 से लेकर के जो है 12 जुलाई तक जो है आप एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है, जिसमें भी आपका चला गया होगा, जो भी कॉलेज में आपका नाम गया होगा। ओके, ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है, एडमिशन में क्या क्या लगेगा, ये सारा जानकारी बता दिया हूँ अलग वीडियो में, और जब आप एडमिशन और वेरिफिकेशन करा लेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन मगध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके लिए भी अलग वीडियो हम बना दिए हैं, तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो है कट ऑफ लिस्ट क्या गया था, यानी हमारा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ गया था, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया, किस सब्जेक्ट के लिए, किस स्ट्रीम के लिए, बीए, बीएससी, बी कॉमर्स, बीए ह्यूमैनिटीज, तो ये सारा कुछ पहले मैं आपको बताता हूँ, उसी के आधार पे मैं बताऊंगा कि क्या आपका नाम सेकेंड बार आ सकता है या नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये दोस्तों आपका है कट ऑफ लिस्ट 1 है आपका। ठीक है, 24 से 28 के लिए। अब इसमें दोस्तों आप सभी लोग को इधर जो है कॉलेज का नाम दिख जाएगा, सारा कॉलेज जितना भी मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 4-5 डिस्ट्रिक्ट में चलता है कॉलेज, वो सभी दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एएम कॉलेज गया से स्टार्ट होता है, इधर आपका जो है जैसे देखिए एएम कॉलेज गया, बीएससी का जो है जूलॉजी का देखिए कट ऑफ कितना गया है, ये अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल का मेल के लिए है और ये जनरल का फीमेल वालों के लिए। ठीक है, बीसी वन का मेल फीमेल, बीसी2 का मेल फीमेल, SC ST का मेल फीमेल और EWS का मेल फीमेल, तो इस तरीके से आपका नंबर दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, देखिए आपका जो है एएम कॉलेज गया में जो है बीएससी बोटनी का जो गया है आपका कितना, तो जनरल मेल के लिए 69 गया है और फीमेल के लिए 65 गया है, यानी जिनका भी 12th में इतना परसेंटेज मार्क्स होगा तो उनको मिल गया होगा सीट, जो लोग जूलॉजी के लिए अप्लाई किए होंगे एएम कॉलेज में। ठीक है, अगर यही बात करें BC1 का तो कितना है, तो आपका 63.80 है, और BC1 का फीमेल की बात करें तो 60.... इस तरीके से दोस्तों आपको। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको सारा कॉलेज का नाम यहाँ पर मिल जाएगा, ये टोटल 32 पेज का ये PDF है, यहाँ पर आप जा करके अपना कॉलेज का नाम सर्च मारिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब उसमें देखिए जैसे ही आपका जो भी सब्जेक्ट में आएगा तो कितना कट ऑफ गया उसमें आपको पता चल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में, तो देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में हम आपको बताने से पहले बता दें कि आपने जो अप्लाई किया है यूजी 2024 से 28 के लिए दोस्तों, ठीक है, तो इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट देखिए आने का जो है नाम, मतलब ऐसे सेकेंड तो आएगा ही आएगा, वो कब तक आएगा तो पहले यही बता देता हूँ मैं आपको, फिर लास्ट में वो सब जवाब दूंगा, क्योंकि मेन तो टॉपिक यही था वीडियो का। ठीक है, अभी जो है आपका 12 जुलाई तक ये चलने वाला है एडमिशन इसमें। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो है 20 जुलाई, ठीक है, ये दोस्तों आपका जो है 20 जुलाई से दोस्तों पहले पहले या 20 जुलाई तक आपका कंफर्म है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी कि मेगा सूची आपका जारी हो जाएगा, फिर उसमें जिनका जिनका नाम आएगा वो लोग एडमिशन करवाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना, ये सारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जा करके आप लोग देखिएगा, चाहे तो आप 1 वाले हों या तो 2 वाले हों, सभी के लिए जो है उस तरीके से एडमिशन वगैरह सारा कुछ करना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो दोस्तों आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो दोस्तों आप सभी लोग 20 जुलाई आप लोग दोस्तों मान करके चलिए। ठीक है, तब तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, उसमें माइग्रेशन वगैरह लगता है प्रोविजनल में जो कि मिलता है, तो इसलिए एडमिशन में आपको आसान होगा, फिर उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है क्या उनका सेकेंड में आएगा दोबारा, तो देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ,
जितना भी अभी से मैंने पिछला बार देखा है कि उसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट में किसी का नाम आ रहा था तो किसी का नहीं आ रहा था। ये दोस्तों डिपेंड करता है आपके अपने जितना भी आपका परसेंटेज होगा ट्वेल्थ में। जैसे कि आपने बात के मतलब फर्स्ट में डाला है एएम कॉलेज गया है, ठीक है, दूसरा में दोस्तों आपने डाला है एसकेएम कॉलेज नवादा, तो हो सकता है कि आपका जो दूसरा कॉलेज का जो कट ऑफ होगा, ठीक है, जैसे आपने 10 कॉलेज डाला होगा, ठीक है, उसमें अलग अलग 10ों के नाम, ओके, तो उसमें क्या होता है कि जो भी कॉलेज आपका सेकेंड में या थर्ड में होगा, अगर आपको पसंद है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो आया कॉलेज वो नहीं पसंद है, तो सेकेंड और थर्ड वाला थर्ड कॉलेज वाला का जो कट ऑफ बनेगा उतना नंबर अगर आपका आ जाएगा तब तो आपका नाम दोस्तों आ जाएगा, और वो भी एडमिशन लेने के बाद। आप इतना ध्यान रखिएगा, जैसे कि बात के मतलब यहाँ पर मैं आपको फिर से लेकर के जाता हूँ कि ये जो आपका एएम कॉलेज गया है तो इसमें सब में सीट रहता है कि मेरे कॉलेज में कितना सीट है। अब हो सकता है इसी मतलब इस सूची से जो सीट भर जाए कॉलेज में तो आपका सेकंड में कहाँ से नाम देगा, नहीं देगा, तो ये थोड़ा सा दोस्तों रिस्क है, ये अपने आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 70% जो है 60% चांस है आपका कि आपका जो है आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम। बहुत लोग का आता है, बहुत लोग का नहीं भी आता है, ठीक है, लेकिन मैं ये गारंटी आपको नहीं देता हूँ कि सबका आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे 10 लोग है उसमें से 10ों ने अगर एडमिशन नहीं लिया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो उसमें से 4 या 5 का आ जाएगा सेकेंड में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या होता है कि सब कॉलेज में अपना अपना सीट होता है, कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का, तो जिस कॉलेज में जितना सीट होगा जब वो फुल हो जाएगा तो आपको कहाँ से देगा दोबारा लिस्ट में नाम। देखिए सीट आपको कैसे चेक करना मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसके चले जाइएगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डायरेक्ट। वहां पर दोस्तों आप जैसे ही जाएंगे ना तो यहाँ पे मिलेगा आपको सीट एबिलिटी, ठीक है, सीटों की उपलब्धता, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट है किस स्ट्रीम के लिए। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, ठीक है, तो जहां भी जैसे कि मैं यहाँ पे गया डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे गया मैंने डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, डिग्री आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको बीए में देखना है कि बीएससी या तो बी कॉमर्स में, तो बात के मतलब हम बीए में देखना चाहते हैं यानी सोशल साइंस में, तो ये आपको क्या करना है तो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कोई भी सा भी एक जो भी होगा। ये देखिए काम नहीं कर रहा अच्छे से, जब तक ये नहीं सेलेक्ट होगा तब तक इधर नहीं आएगा, ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं हम, शायद अच्छे से काम कर जाए वेबसाइट, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे कि मैं गया डालता हूँ, ठीक है, गया आ गया हमारा यहाँ पे, तो ये दोस्तों देखिए क्लिक हो नहीं रहा है, ठीक है, आपको करना क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ पर जो आपको करना है बीए बीएससी बी कॉमर्स, उसके बाद यहाँ पर जितना भी आपका उस कॉलेज उस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज होगा, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों आपका जो है आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कॉलेज का नाम, ओके। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर दिखा देगा कि कौन सा जो है बीए बीएससी में आपका जो कितना सीट है। यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ना डिग्री में बीएससी, और यहाँ पर बहुत सारा कॉलेज आ जाएगा खुलगा जो आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, तो उन सभी डिस्ट्रिक्ट में बताएगा कि जो है बीए में इतना कॉलेज है, ठीक है। अगर यहाँ बीएससी चूज करेंगे तो बीएससी में फिर बताएगा इतना कॉलेज है इस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और उसमें कितना सीट है। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है आप पे, अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए, आपका जो है मन पसंद कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको मन पसंद कॉलेज नहीं मिला है दोस्तों तो आप तो फिर रुक ही सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो क्योंकि इसमें जो स्लाइड अप का प्रक्रिया नहीं है और भी यूनिवर्सिटी के अलावा और भी यूनिवर्सिटी के जैसा, ठीक है, जैसे सब में होता है कि स्लाइड अप का प्रक्रिया देता है कि आपको पसंद नहीं है तब कॉलेज चेंज कर सकते हैं, आपके कटअप के अनुसार दूसरे मेरिट लिस्ट में हो सकता है नाम आ जाए, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों जितने भी लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उनको मैंने बता दिया, और जिनका फर्स्ट में आ चुका है क्या सेकेंड में आएगा नाम उनका मेरिट लिस्ट में, इसके बारे में भी बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि पूरा आपको समझ में आएगा मेरे द्वारा बताया गया जानकारी, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है, हर एक जानकारी आपको मैं पहुँचाता रहूंगा, और मेरे जैसे इन्फॉर्मेशन शायद ही अभी कोई आपको देता होगा यूट्यूब पे, इसलिए बोलता हूँ कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, मैं आपको पूरा अपडेट देते रहूंगा जब तक आपका सेशन कम्प्लीट नहीं हो जाता। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जरूर जुड़िएगा क्योंकि छोटे छोटे अपडेट आपको वहीं पर मिलता है, क्योंकि हर एक अपडेट पर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अकेला पड़ जाता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।